एक छोटा सा बच्चा स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई के दौरान में सडनली स्कूल में आग लग जाता है और उस आग की चपेटे में वो बच्चा भी आ जाता है। इमीडिएटली हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, लेके जाने के बाद डॉक्टर उसकी माँ को कहते हैं कि आपका बेटा ऑलमोस्ट झुलस चुका है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है, अगर बच भी जाता है तो इस जिंदगी में अपने पैरों में खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन वो बच्चे को चलना था, लाइफ में दौड़ना था, इसके लिए हर रोज घर से जैसे गार्डन में आते थे वो गार्डन में चलने की कोशिश करता था, उठने की कोशिश करता था, लेकिन हर टाइम पे वो गिर जाता था। लेकिन किसी एक दिन पे उसके पैरों में खुद खड़ा हो गया, धीरे धीरे दौड़ना शुरू हुआ। दौड़ना ऐसे शुरू हुआ कि 1934 में यूएस की मैडिसन स्क्वायर गार्डन में जब रेस हो रहा था, 1500 मीटर की रेस में वो इंसान पहला नंबर पे आता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ग्लेन कमिंगम की। आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके जरूर बताइए।